आखिरकार मध्य प्रदेश के चुनाव में होगी उमा भारती की एंट्री, हिमालय जाने का प्लान किया कैंसिल। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रचार करने के लिए तैयार हो गई हैं। वे गुरुवार यानी 9 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करने वाली हैं। उमा भारती का चुनाव प्रचार अभियान सांची से शुरू हुआ। चुनाव प्रचार में लगने से पहले ही अब उमा भारती एक्टिव हो गई हैं। इसी बीच उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना पर अरविंद केजरीवाल के दावे को भी गलत बताया है। बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सिलवानी के बमहोरी और सागर के सुर्खी में भी चुनावी रैली करेंगी। हालांकि इससे पहले उमा भारती प्रचार से मना करके हिमालय जाने की घोषणा कर चुकी थी। बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, इसे लेकर उमा भारती ने नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बावजूद उमा भारती ने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जहां भी प्रचार के लिए बुलाएंगे वे वहां जाएंगे। उमा ने कहा था अभी ठीक होने में लंबा समय लगेगा। कुछ दिन पहले उमा भारती ने ट्वीट करके बताया था कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बाएं पैर में लगी चोट बड़ा नुकसान कर रही है। 28 तारीख से फिजियोथेरेपी झांसी में चली, सुधार ना होते देख झांसी में ही MRI हुई। डॉक्टरों के निर्देश से भोपाल वापस लौट रही हूँ। लगभग 3 महीने तक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, दवाई, बेड रेस्ट को मिलाकर के अब ठीक होने में लंबा समय लगेगा। थकान से कमजोर हुई केजरीवाल की याददाश्त। इसी बीच तीर्थ दर्शन योजना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे को झूठा बताते हुए उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है, केजरीवाल के अत्यधिक तनाव और दबाव से थक गए हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में मेरे बड़े भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किए। लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगी उमा भारती। मालूम हो कि उमा भारती आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वो साफ कर चुकी हैं कि वो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहती हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बार जो कहना था वो कह चुकी हैं और अब आगे बीजेपी प्रमुख JP नड्डा के कहने की बारी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।